Malaysia, a country which is truly Asia, has now become the most popular destination amongst the international students. Not just the international student, but most of the prestigious institutions of the world have opened their campuses there. And in this video, we will talk about studying Malaysia, how much it's gonna cost you, and what are the benefits of studying there. My name is Dinesh Suhail, and along with me is Mr. Azim Kasim, and we welcome you all to Arifra Group of Companies. असलमकम नमस्ते आदाब ससरियाकाल आज किस वीडियो में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं और आज के वीडियो आपके लिए एक नई चीज जो है हम लेकर आए हैं जिस, जिसका नाम है स्टडी इन मलेशिया बहुत सारे रिसेंट हमने पास्ट में अपने स्टूडेंट्स को देखा कि वो स्टडी इन मलेशिया की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ रही थी और स्टूडेंट्स जो हैं वो हमें एडिफाई को बहुत ज़्यादा अप्रोच कर रहे थे कि आप मलेशिया की तरफ भी देखें और मलेशिया की तरफ भी हमें एडमिशन के लिए कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो फाइनली वी हैव हाँ स्टार्टेड स्टडी इन मलेशिया एंड हमारे पास ऑलमोस्ट सारे ही ऑप्शन अवेलेबल हैं और आज की इस वीडियो में हम इन तमाम बातों के ऊपर बात करेंगे कि आप मलेशिया में क्यों जाए वहाँ पर बजट क्या है बेनिफिट्स क्या हैं नुकसान क्या हैं और पाकिस्तान से इसको कंपेयर करें तो आपको सिंपली मलेशिया को क्यों चूज़ करना चाहिए एज योर स्टडी डेस्टिनेशन जी तो जीम साहब सबसे पहले तो बताइएगा कि एज यू यू हैव ऑलरेडी बें देयर तो मलेशिया एज ए कंट्री कैसी है देखिए जिन्हें जहाँ तक मलेशिया एज ए कंट्री की बात करें तो इट इज़ अ टूरिस्ट कंट्री और वहाँ पर टूरिस्ट अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हैं उसके अलावा भी uh, जो उनका कल्चर है वो काफ़ी इंटरेस्ड है उनका फूड बड़ा अच्छा है और मैंने पहले भी बात की कि फिर वीडियोज़ के अंदर उनके लोग बहुत अच्छे हैं वहाँ का जो आ, कल्चर है वहाँ का जो फैमिली सिस्टम है वो काफ़ी स्ट्रॉग है जैसे हमारे पाकिस्तान का है इसके काफ़ी करीब है मुस्लिम कंट्री है और ट्रॉपिकल वेदर है अब वेदर की तो वैसे हर स्टूडेंट की हर एक इंडिविजुअल की अपनी एक प्रेफरेंस होती है किसी को कोल्ड वेदर पसंद है किसी को आ, समर्स पसंद है किसी को ट्रॉपिकल वेदर पसंद है वैसे मलेशिया का वेदर बहुत सारे लोग लाइक भी करते हैं बहुत सारे लोग जिसको डिसलाइक भी करते हैं कि सारा साल आपको बारिश हाँ है। वहाँ पे रेन हाँ बारिश वहाँ बहुत होती है और बल्कि डेली आपको वहाँ बारिश देखने को मिलती है जिनको अगर बारिश पसंद है किसी को तो उसके लिए तो मैं समझता हूँ कि फेवरेट कंट्री होगा मलेशिया और इसके साथ साथ मलेशिया ने अपने आप को डेवलप बहुत ज़्यादा कर लिया फ्रॉम द लास्ट टेन ईयर्स जो डेवलपमेंट मलेशिया में देखी गई है इट इज़ अ रिकॉर्ड डेवेलपमेंट आप उनका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री देखें आप उनकी आईटी इंडस्ट्री देखें आप उनका इकॉनमी को देखें कोई भी आप उनकी एक आ, जो सेक्टर है उसको आप स्टडी करें तो आप देखेंगे कि मलेशिया ने बहुत ज़्यादा जो है ना उसके अंदर प्रोग्रेशन दिखाई है अपने हर सेक्टर के अंदर पाकिस्तान में भी अभी उन्होंने पिछले दिनों देखा हमने कि वो गाड़ी लॉन्च की है उन्होंने एग्जैक्टली exactly. जो मलेशन मेड गाड़ी है उसके अलावा आईटी में बहुत ऊपर जा रहे हैं यही वजह है कि मलेशिया uh, जो है पिछले मेरा ख़्याल है पाँच सात साल के अंदर एक बहुत अच्छी और फेवरेट डेस्टिनेशन जो है ना वो उभर के सामने आया जिसकी वजह से पेरेंट्स की स्टूडेंट्स की काफ़ी इंडिविजुअल्स की अब ये ख्वाहिश है कि हम मलेशिया जाके जो है ना अपनी स्टडी कंप्लीट करें एक और बात भी जो मैंने फ़ील किया इस चीज़ के अंदर वो ये है कि मलेशिया जो है वो एक एशियन प्लस मुस्लिम कंट्री है डिस्टेंस पाकिस्तान से कम है और आपको सारे बेनिफिट जो आपको पाकिस्तान में मिलते हैं वो तो आपको मलेशिया में भी मिल जाते हैं चले बात करते हैं अब डायरेक्ट अपने पॉइंट के ऊपर अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी एडमिशन के बारे में तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं वहाँ पर क्या हर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं या कुछ स्पेसिफ़िक यूनिवर्सिटीज हैं जो पाकिस्तान से स्टूडेंट्स को रिक्रूट करती हैं या हमारे एरिया से इनको रिक्रूट करती हैं और साल में क्या इंटेक्स हैं इनके देखें जिन्हें ऐसी कोई लिमिट नहीं है कि अब पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जाना वे ख़ास पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं एवरी यूनिवर्सिटी हैज़ देयर कोटा फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और जैसे कि मैंने बताया है कि जो मलेशिया है वो अपने आप को इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रोमोट कर रहा है फ़ॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और अपने बॉर्डर ओपन किए हुए हैं स्कॉलरशिप्स दे रहा है तो उन्होंने इंटरनेशनल जो सीट्स हैं स्टूडेंट्स की वो काफ़ी ज़्यादा इनक्रीज़ कर ली हैं और आ, पास्ट अगर हम देखें फोर टू फाइव इयर्स में देखें तो आ, मलेशिया ने काफ़ी ज़्यादा जो है ना अपना इसके अंदर लोहा मनवाया है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के अंदर और आई गेस इस वक्त मोर देन फिफ्टी थाउजेंड टू वन लैख स्टूडेंट्स जो है ना वो हर साल मलेशिया में जा रहे हैं स्टडी करने के लिए वैसे तो वहाँ पर मलेशिया की अपनी भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं एंड सरप्राइजिंगली मलेशिया की काफ़ी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो टॉप हंड्रेड में टॉप टू हंड्रेड में फॉल करती हैं उनको यूनिवर्सिटी ऑफ़ मलाया है यूनिवर्सिटी ऑफ माशा यूनिवर्सिटी है और इसी तरह उनकी आ, वैसे तो जो फॉरेन कैंपस हैं वो भी वहाँ पे काफ़ी हैं जिनकी जो टॉप रैंक कैम्पसेज हैं अपने रिस्पेक्टिव कंट्री के वो भी वहाँ पर मलेशिया में अपना कैंपस बना के बैठे हुए हैं तो कोई लिमिट नहीं है यहाँ पर कि आपने भाई इस यूनिवर्सिटी में हम लेंगे इसमें नहीं लेंगे आपको इट टोटली डिपेंड्स ऑन दून स्टूडेंट कि वो किस यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करता है और ऑब्वियसली uh, उसमें uh, कौन को से कोर्स में जाना चाहता है उसमें जो टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं ऑब्वियसली उनकी रिक्वायरमेंट्स भी ज़्यादा हैं ऐसे ही है जो मिड टीयर की यूनिवर्सिटीज़ हैं जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स कम भी होंगी तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट कि आपकी प्रेफरेंस hmm. क्या है बजट क्या है आपने किसी फॉरन यूनिवर्सिटी का कैंपस चूज़ करना है वहाँ पर या आपने मलेशिया की अपनी यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है इट डिपेंड्स इंडिविजुअली

हमारा जो ओ एंड ए लेवल्स का रिजल्ट है वो भी जाके आता है फोर्टीन ऑफ अगस्त को इसी तरह जो हमारा इंटरमीडिएट का रिजल्ट है वो भी जाके आता है अगस्त में सितंबर में जाके आता है तो ये वो स्टूडेंट्स हैं जो हर साल अपना इनटेक मिस कर जाते हैं और गैप ईयर लेके आते हैं तो इनके लिए तो मैं समझता हूँ कि जो मलेशिया है वो एक नंबर वन डेस्टिनेशन होगी ये अपना गैप ईयर जो है ना वो यहाँ पे सेव कर सकते हैं विद रेंज ऑफ मल्टीपल इनटेक्स इन अ ईयर कुछ यूनिवर्सिटी जो है उनके लिमिटेड इंटेक्स हैं उनके साल में दो इंटेक है किसी yeah. का साल में एक इंटेक है बट मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज उनके जो इंटेक है साल में मल्टीपल इंटेक्स हैं yeah. तो आप अराउंड द ईयर किसी भी इंटेक में जाके अपनी स्टडीज स्टार्ट कर सकते हैं दैट इज वेरी गुड थिंग जैसे कि हम देख रहे हैं कि आजकल पोस्ट uh, पेंडेमिक के बाद से ही अब तक जो है ना वो रिजल्ट स्टेबल नहीं हो पा रहे कभी लेट आ रहे हैं कभी जल्दी आ रहे हैं कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है तो मलेशिया के अंदर आपके पास ये ऑप्शन है कि आपके पास ऑलमोस्ट साल में पांच से छह इंट बनते हैं तकरीबन जो आपको अवेलेबल हैं आप उसमें किसी भी टाइम पर जो है अपनी एप्लीकेशन करवा सकते हैं अब बात करते हैं कि अभी अंडर ग्रेड के जो स्टूडेंट्स हमारे हैं उनके लिए क्या ऑप्शन है वो किस फील्ड में जा सकते हैं किस यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं और इसमें एक बड़ा मेन क्वेश्चन है कि वो स्टूडेंट ये फैसला करे क्यों वो पाकिस्तान से वहां जाए क्यों अच्छा देखें जहां तक तो आपकी जूनियत ये बात है ना कि स्टूडेंट पाकिस्तान से जाए ही क्यों हुँ. इसका तो एक बहुत सॉलिड रीजन भी है देखें पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर ऑप्शंस नहीं है सही है आप ये कह लें कि बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में ऑप्शंस नहीं है बच्चों के लिए खासतौर तो पर वो बच्चे जो कैम्ब्रिज बैकग्राउंड से हैं उनके पास तो आ जाके लम्स एल या कुछ दो चार एक फास्ट का कैंपस है काम्पर्स का कैंपस है एक वो कराची में यूनिवर्सिटी आई बी ए ये पाँच ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको एक ऑप्शन मिलती है पाकिस्तान के अंदर अदरवाइज पाकिस्तान में इवन के लम्स के स्टूडेंट्स भी जो हैं ना मैंने जब मेरी उनसे कभी इंट्रैक्शन होती है तो वो दे आर नॉट सेटिसफाइड फ्राम द लम्स फैकल्टी एंड लम्स इन्वायरमेंट वो कहते हैं कि जो स्टूडेंट्स हमारे आउट ऑफ कंट्री स्टडी करने गए हैं उनका जो एक्सपोजर है सबसे बड़ी बात होती है जुनीत एक्सपोजर की जो एक्सपोजर आपको अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बहुत ज्यादा लिमिटेशन है रिसोर्स की बुक्स की आपको यहाँ पे पेमेंट गेटवेज नहीं मिलते आपको यहाँ पे अच्छे प्लेटफॉर्म्स नहीं मिलते नहीं। आपको यहाँ पे बड़ी अब देखें ना मलेशिया के अंदर आपको दुनिया की हर कंपनी मिलेगी वहां पर चाहे वो ऑटोमोबाइल की कंपनी है चाहे वो आईटी की कंपनी है चाहे वो टेली uh, कम्युनिकेशन की कंपनी है एवरी कंपनी हैज हैजे स्टोर ऑफिस एंड रजिस्ट्रेशन इन द मलेशिया सही यही वजह है जो आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर है यही वजह है कि देर आर मोर देन आ, एट टू तो टेन यूनिवर्सिटीज जिनका जो जिनके कैंपस मलेशिया के अंदर अब आप देखें यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंगम yeah. टॉप यूनिवर्सिटी यूके की यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहम्टन रसल ग्रुप की यूनिवर्सिटी है मुनाश यूनिवर्सिटी उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ वॉलिंग कर्टन यूनिवर्सिटी स्विनबर्न यूनिवर्सिटी ये मैंने अभी कुछ नाम लिए ये वो तमाम यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके मेन कैंपस जो है ना वो यूके में या ऑस्ट्रेलिया के अंदर है एंड दे आर हैविंग देयर सब कैंपस और आप कह सकते हैं मेन कैंपस ही है वो दैट इज बेस्ड इन द मलेशिया अच्छा अब वहां पर क्यों उन्होंने बनाया उनके पास तो और बड़ी ऑप्शन थी इंडिया भी था बांग्लादेश भी था पाकिस्तान भी था यही वजह है कि वहां पर उनको एक आप कह लें कि एक तरह से हर चीज जो है ना आपको वहां पर बैलेंस्ड मिलती है वहां पर आपको इंटरनेशनल कंपनीज वहां पर है एक्सपोजर वहां पर मिलता है आपको डिवेल्प कंट्री है इकोनॉमिक इकोनॉमिक सिचुएशन सिचुएशन बहुत बड़ी अच्छी है वहां पर पाकिस्तान में तो लोड शेडिंग का मसला हल नहीं हो रहा आज तक यूनिवर्सिटी जो है ना वो अपने डीजल का बजट निकाल के बैठी होती है और हर साल जो है ना उनको खसारे में जा रही होती है यहाँ पर आपको लैब्स के अंदर जो है ना पायलटेड बुक्स मिलती हैं आपको रिसर्च आर्टिकल्स पब्लिश करने के लिए कोई आपके पास जो है ना ऑप्शन नहीं है फिर जो आपकी फैकल्टी है फ़ैकल्टी आपकी कोई ऐसी फैकल्टी नहीं है कि जिसका कोई वर्ल्ड रैंक हो मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी फैकल्टी अच्छी नहीं है मैं ये कह रहा हूँ कि वर्ल्ड रैंक फैकल्टी नहीं है हमारी यहाँ पर और ये जो कैंपस जितने मैंने नाम लिए हैं इन स, इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ को वो जो मेन कैंपस हैं उनके वो खुद मॉनिटर भी करते हैं फिर इनकी जो ग्रेजुएट डिप्लायिलिटी रेट है वो एक्जैक्टली वही है जो मेन कैंपस का ग्रेजुएट अपलायिली रेट बिल्कुल क्योंकि उन्होंने अपनी वो कंप्रोमाइज़ नहीं करना नहीं। अपनी फैसिलिटीज के ऊपर और अपनी क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करना नहीं। और बाकी मैंने ऑप्शन बता दिए आपको जो फॉरन यूनिवर्सिटीज के वहाँ पे ऑप्शन हैं इसके अलावा मलेशिया की अपनी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो जिनके कैंपस वहाँ पर मैंने नाम लिया टॉप हंड्रेड के अंदर देखो पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान की भी कोई यूनिवर्सिटी टॉप हंड्रेड में आ सके मलेशिया की तीन यूनिवर्सिटी जो है ना वो टॉप हंड्रेड में फॉल कर रही हैं इसके अलावा आ, टेलर्स यूनिवर्सिटी है उसका कैंपस मलेशिया में है वो भी टू फिफ्टी के अंदर फॉल करती है सिंगापुर की बड़ी मशहूर यूनिवर्सिटी है बिल्कुल है वो भी उधर उधर वो तो सिंगापुर में ना खैर लेकिन मलेशिया की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर अनलिमिटेड बेनिफिट्स हैं और सबसे बड़ी बात जो है ना वो एक प्लेटफॉर्म की है एक एक्सपोयर की है और वो फैकल्टी की है जो आपको पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली नहीं मिल सकती आज अगर पाकिस्तान में एजुकेशन की एमरजेंसी नाफज कर दी जाए और यहाँ पर उस लेवल का काम हो जिस लेवल का काम मलेशिया में इवन कि इंडिया में हो रहा है तो आज भी पाकिस्तान को सौ साल चाहिए एक अच्छी यूनिवर्सिटी बनाने के लिए और एक वो यूनिवर्सिटी बनाने के लिए जहां से जहां पे लोग पढ़ने आए जिसकी रैंकिंग अच्छी हो और अगर यहाँ पर एक लम्ब की ऑप्शन है भी है तो वहां पर भी देखिए आपको लिमिटेड कोर्सेज हैं वहां को है। पर आपको रेंज ऑफ कोर्सेज नहीं, नहीं मिलता है तो ये वो रीजन है कि स्टूडेंट्स को बाहर जाना पड़ता है ये कि हमारे जो स्टूडेंट्स जो के स्टडी अब्रॉड के लिए अपनी काबिलियत को ढूंढने के लिए निकलते हैं और उनके लिए एक तो बड़े अफसोस के साथ हमारी करेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएट कर चुकी है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है अब किसी और कंट्री में पढ़ने के लिए तो अंडर ग्रेड के लिए और पोस्ट ग्रैड के लिए जो बच्चे जाना चाहते हैं और मलेशिया को जो है वो प्रेफर कर रहे हैं इस टाइम पर क्योंकि एक तो करेंसी का जो है वो डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो अगर मैं एवरेज बजट की बात करूँ एक स्टूडेंट की क्या एवरेज जो पर एन कॉस्ट है किसी भी डिग्री की जो है वो क्या आ जाती है जुनेद ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज़ किया है हम आ, मुझे काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ है कि जब हम किसी स्कूल में जाते हैं काउंसलिंग के लिए अभी रिसेंटली तीन चार इवेंट्स हमारे हुए हैं डिफरेंट स्कूल्स के अंदर तो वहाँ पर भी मुझे जब पेरेंट्स आ, पेरेंट्स मिलते हैं तो वो हमसे ये लाजमी पूछते हैं कि भाई हम यू की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते हम यू की फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते हम ऑस्ट्रेलिया की फ़ीस अफोर्ड नहीं करते तो हमें कोई ऐसी ऑप्शन दें जो जहाँ पे एजुकेशन uh, भी अच्छी हो लेकिन अफोर्डेबल रेंज के अंदर हो hmm. तो मलेशिया जो है ना ये जो फैक्टर है पेरेंट्स का और आपकी बात ठीक है जो डीवेल्युशन ऑफ मनी है वो इतनी हद तक जा चुकी है कि आज आई थिंक जो पाउंड uh, का रेट uh, था जो टीटी ट्रांसफर हुई है वो तीन सौ रुपए के ऊपर हुई एग्जैक्टली एक्जेक्टली ऐसे ही है exactly तो uh, इसी वजह से मलेशिया जो है ना वो इन डिमांड मजीद भी हो रहा है कि वहाँ पर एक तो आपको जो आपका लिविंग कॉस्ट है बड़ी hmm. मुनासब सी है आपको दो सौ ढाई सौ तीन सौ डॉलर के अंदर वहाँ पे पर मंथ इजीली विद योर अकोमोडेशन फूड एंड एवरीथिंग उसमें इंक्लूड करके तो वहाँ पे आप सर्वाइव कर सकते हैं सेकेंडली mm. जो वहां पर आपकी फी uh, की कॉस्ट है जो मेजर कंसर्न होता है स्टूडेंट्स का खासतौर पर पेरेंट्स का भी इट स्टार्ट फ्राम सिक्स थाउजेंड अप्रॉक्सीमेटली डॉलर में बात कर रहा हूँ मैं छह हजार डॉलर से स्टार्ट होती है एंड दैट इज पर एन फीस तो अब अगर आप इसे कंपेयर करें विद द कॉस्ट इन द यूके ऑस्ट्रेलिया यूएसए और कनाडा वहां पर आपको पंद्रह हजार चौदह हजार डॉलर जो है ना वो सेमेस्टर के पे करने पड़ते हैं सेमेस्टर के पे करने पड़ते हैं तो यहां पर आपको जो टोटल आपकी डिग्री है दैट विल कॉस्ट यू अराउंड एटीन थाउजेंड डॉलर तो ये अगर आप पाकिस्तान में कन्वर्ट करें तो मेरे पचास लाख के पास बनेगी एग्जैक्टली exactly. तो पचास लाख अगर आप किसी यहाँ प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें ना पाकिस्तान में तो उसकी भी कॉस्ट इससे ज़्यादा होगी बिल्कुल अच्छी और फैसिलिटीज का फैकल्टी का रैंकिंग का कैंपस का ज़मीन आसमान का फ़र्क है।, है सही है तो अच्छा जो अपर रेंज है ना इसकी जो फीस की है दैट विल बी अराउंड ट्वेल्व टू फोर्टीन थाउजेंड डॉलर पर एनम पर एनम उसमें देखिए ना अब आप यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ हम्पटन है साउथ हम्पटन की जो अगर हम मेन कैंपस की बात करें विच इज़ अ रसल ग्रुप यूनिवर्सिटी टॉप फिफ्टी में आती है यूनिवर्सिटी उसकी जो अंडर ग्रेजुएट की फीस है दैट इज अराउंड ट्वेंटी टू थाउजेंड पाउंड एन एम पर एन और अब आप अगर मलेशिया की बात करें तो यहां पर उसकी जो फीस है दैट इज अराउंड टेन टू ट्वेल्व थाउजेंड डॉलर पर एन एम वहां पर आपने बाईस हजार पाउंड देना है यहाँ पर आपने साल का दस से बारह हजार डॉलर देना है तो मोर देन जो है ना आपकी सिक्सटी परसेंट जो है ना वो कॉस्ट यहाँ पर कम आती है मलेशिया में रहने की लिविंग कॉस्ट मैंने बता दी आपको ना होने के बराबर है और आपको स्पेशली जो है ना वो हलाल फूड अरेंज नहीं करना पड़ता एकोमोडेशन के इतने बेगर नहीं है प्लस टूरिस्ट कंट्री है तो इसका बड़ा एज मिल जाता है स्टूडेंट्स को टूरिस्ट कंट्री के अंदर जो है ना वो आप देखेंगे अराउंड द ईयर जब टूरिस्ट आते हैं तो जो कंट्री की जो इकॉनमी होती है ना कभी बैठती नहीं है आपको सारा साल जो है ना आपके कंट्री के अंदर जो है ना वो इकॉनमी जो है ना वो आपके जो पैसों की है वो एक इन आउट चल रहा होता है जिसकी वजह से आपकी कभी भी जो इकॉनमी वो डिस्टर्ब नहीं होती यानी कि आपको ये नहीं है कि आज अगर रिंगड पचपन रुपए का है तो साल बाद जो है ना वो आ, शायद महंगा हो जाएगा पाकिस्तान से तो करेंगे तो वो तो हो ही जाएगा अगर आप डॉलर से कंपेयर करेंगे तो कभी भी आपको डिफरेंस नजर नहीं आएगा इस चीज के अंदर डिफरेंट एथेनिक बैकग्राउंडस के लोग वहाँ पर आपको मिलते हैं जितना ज़्यादा वहाँ पर टूरिस्ट आ रहा है वो तो डेफ़िनेटली उसमें आपके लिए भी लर्निंग है कि आप नए नए लोगों से मिलोगे नए नए लोगों से उनकी ज़ुबान देखोगे और इसके अलावा मलेशिया में पढ़ने की एक और बड़ी एक खूबसूरत एक फैसनेटिंग जो चीज़ है वो ये है कि वो आपको डुअल डिग्री प्रोग्राम्स भी ऑफर करते हैं आप वहाँ पर एडमिशन ले अपना लास्ट ईयर जो है वो अब्रॉड किसी दूसरी कंट्री में लगा सकते हैं जैसे अगर आप ऑस्ट्रेलिया की किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो लास्ट ईयर आप ऑस्ट्रेलिया में जा सकते हैं वो भी उसी फी स्ट्रक्चर के अंदर सिमिलरली आपको जो ऑप्शन है वो यूके में भी मिल जाता है तो कंपेयर इसको कंपेयर करें अगर बाकी कंट्री से तो आई डोंट थिंक सो कि इससे ज्यादा अच्छा ऑप्शन इतने सारे पैकेजेस के साथ कहीं पर भी हमें मिल रहा हो एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो स्टूडेंट हमसे हर बार पूछते हैं और बार बार पूछते हैं दैट इज आयल्स कंडीशन कि आयल्स की क्या कंडीशन है मैंने विदाउट आयल्स जाना है आपको पता है पाकिस्तान के अंदर एक ये हाइप है कि आयल्स के बगैर हमें कोई नहीं लेता तो इसके अंदर क्या कोई हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है कि यहाँ पर भी हमें आयल्स या पी करके जाना पड़ेगा देखिए जहां तक तो बात है ना हमारे जो कैम्ब्रिज के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो गुड uh, न्यूज है कि इफ़ दे हैव और इन देयर इंग्लिश है उनको वहाँ पे एग्जामेशन मिल जाएगी स्टेट वे मिल जाएगी अगर हम बात करें जो हमारे इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं एट्टी केसेस के अंदर उनको एग्जामेशन मिल जाती है अच्छा। 20 में हमने देखा है कि वहाँ पर आपको एग्जामेशन जो है ना वो नहीं मिलती खैर इट फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी एंड प्रोफाइल प्रोफाइल। टू और नॉर्मली वहाँ पर जो हैं, खास तौर पर फॉरन कैंपस हैं वो आपको एग्जामेशन दे देते हैं तो यहाँ पर काउंसलर uh, uh, आपको किसी काउंसलर से करियर uh, काउंसलर से या एजुकेशन काउंसलर से कांटेक्ट uh, करना चाहिए एंड uh, वो बेहतर बता सकता है आपको आपको कि आपकी प्रोफाइल में इन पर्टिकुलर चाहिए या नहीं चाहिए अनदर फैसिनेटिंग थिंग अबाउट मलेशिया के मलेशिया के अंदर आपको बहुत ज्यादा हेफ्टी बैंक जो बैंक स्टेटमेंट है वो नहीं दिखानी पड़ती यहाँ पर आपको मिलियंस के अंदर नहीं जाना पड़ता मेरा ख्याल आधा मिलियन या एक मिलियन तक जो है वो आपका जो है वो काम पूरा वो भी आपको फ्रेश बैंक स्टेटमेंट चाहिए दो चार दिन की वो भी अब आगे उन्होंने रिक्वायरमेंट रखी पहले वो भी नहीं होती थी डॉक्यूमेंट्स की बड़ी कम से रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट्स के लिए एक सेपरेट uh, से जो है ना वीडियो बना लेंगे है। uh, पूरे प्रोसेस के लिए जी तो विवर्स ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि वाई यू शुड चूज मलेशिया एंड आप वहाँ पर क्यों जाए और वहां पर जाके क्यों पढ़ें क्या बेनिफिट्स हैं आपके लिए और आने वाली सीरीज के अंदर हम स्टडी इन मलेशिया को इन डेप्थ स्टडी करेंगे कि वहाँ पर आपको जो है वो किस किस किस्म की डिग्रीज मिल सकती हैं क्या क्या बेनिफिट्स हैं और आपको आने वाली वीडियो के अंदर ये तमाम चीजें जो है वो मिल जाएगी अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई इसे लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आर वीडियो अल्लाह